ये तो क्रिएटर्स, आज हम इमेज की बजाय वीडियो क्रिएशन देखेंगे कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इमेज क्रिएशन तो हमने बहुत देख ली, तो ये एक डिस्कॉर्ड पर टूल अवेलेबल है पीका लैब के नाम से। ये अभी बीटा वर्जन चल रहा है तो इसलिए फ्री है, जो किसी भी वक्त पेड हो सकता है, तो आप जब तक ये फ्री है इससे फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्कॉर्ड पर अक्सर लोगों ने आप में से अकाउंट तो बना लिया है, जिसने नहीं बनाया वो पहले डिस्कॉर्ड की वीडियो देख ले। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीका लैब का। ये लिंक एक हफ्ते के लिए वैलिड होता है, जो भी डिस्कॉर्ड का लिंक हो, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आप इससे ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉम्प्ट देकर, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर उससे वीडियो क्रिएट करेंगे, फिर हम किसी भी पिक्चर से वीडियो क्रिएट करेंगे। आप पिक्चर भी अपनी पहले किसी भी टूल में जनरेट करके उसको एनिमेट कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके लिए जैसे हम बाकी डिस्कॉर्ड की एप्स में, टूल्स में स्लैश प्रॉम्प्ट देखते हैं, तो आप स्लैश देंगे, स्लैश में से ये लिस्ट आएगी, लिस्ट में से आपने क्रिएट प्रॉम्प्ट की कमांड सेलेक्ट करनी है, और नीचे हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं टॉम एंड जेरी डांसिंग। अब टॉम एंड जेरी डांसिंग, मैंने जैसे डांसिंग लिखा तो ये साइड पर ये एक विंडो सी ओपन हो गई है। इसमें अभी पिक्चर शो नहीं हो रहे आइकॉन, लेकिन इसमें शो होते हैं। हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डांसिंग के स्टाइल्स शो होते हैं जब आप डांसिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, तो किस तरह का कराना है। इसमें हमने फर्स्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो स्टाइल यहाँ ऊपर प्रॉम्प्ट के ऊपर शो हो जाएगा। एंटर किया तो ये हमारी कमांड जो है ये सिस्टम में चली गई है, और हमारा जो हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट हो रही है। ये 3 सेकंड की वीडियो आपको बना के आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आपको दे देता है। ये डांसिंग स्टाइल भी शो हो गया है यहाँ पे, तो वो वीडियो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो क्रिएट हो गई है टॉम एंड जेरी की। तो जैसे पिक्चर ऐप जो होती है, इमेज ऐप, वो हैंड्स में मिस्टेक करती है, तो ये भी अभी टेस्ट चल रहा है, ये इसमें कुछ मिस्टेक्स कर सकता है। तो ये डाउनलोड बटन है, ये डाउन एरो, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये प्ले यहाँ से करके देख सकते हैं। तो ये एक इब्तदाई प्रॉम्प्ट था, इस तरह से आप इब्तदाई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब हम ज़रा इसको मज़ीद इन्हांस करते हैं, इसकी मज़ीद ऑप्शंस, मज़ीद कमांड को देखते हैं। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने टॉम एंड जेरी डांसिंग को पेस्ट कर दिया है। इसके बाद ये एक मोशन कमांड है, 2 दफ़ा माइनस लगाकर मोशन लिखेंगे आप, और 0 to 4 तक जो है मोशन के नंबर आप दे सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चेक किया है, 2 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता, तो मैं ये 2 दिया है मोशन 2 में। ये आ गई हमारी वीडियो टॉम एंड जेरी की, इसको प्ले करते हैं। तो ये प्ले हो रही है, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लें। 3 सेकंड की वीडियो ये देता है हमें, ये है कंप्लीट वीडियो। ये मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, तो इससे आप जो है एनिमेट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी बनाई हुई जो पिक्चर्स हैं, जो हम किसी भी टूल से बनाते हैं, इमेजेस हैं,
तो वो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि पहले आप अपनी मर्ज़ी के इमेजेस क्रिएट कर लें, फिर उनको यहाँ लाकर एनिमेट कर लें। ये हम स्लैश प्रेस करेंगे तो यहाँ ये पहले नहीं थी, अब उन्होंने एनिमेट की कमांड डाल दी है। तो क्रिएट की बजाय क्रिएट, पहले हम एनिमेट की कमांड को टेस्ट कर लेते हैं। ये एनिमेट की कमांड सेलेक्ट की, कोई पिक्चर इसमें अपलोड करते हैं। जैसे ही एनिमेट की ये प्लस पर आप प्रेस करेंगे, प्लस वन पर, तो ये आप इससे पिक्चर अपलोड कर लेंगे इमेज। उसके बाद एंटर करेंगे तो वो आपका इमेज जो है वो एनिमेट होके आपके सामने आ जाएगा। ये हो रहा है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये मैंने बिंग से क्रिएट किया हुआ इमेज है, या बिंग का लोगो भी देख सकते हैं। इसको प्ले करके देखते हैं, ये बहुत अच्छे से उसने एनिमेट किया है। पिक्चर से जो हम क्रिएट करते हैं एनिमेशन, वो उसका रिजल्ट प्रॉम्प्ट से बेहतर होता है। अच्छा, ये ही आप जैसे हमने पिक्चर से क्रिएट किया, ये क्रिएट कमांड से भी आप किसी भी अपने इमेज को एनिमेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये क्रिएट कमांड सेलेक्ट की, यहाँ मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ सिंगिंग अ सॉन्ग एंड आइज मूवमेंट। सिंगिंग सॉन्ग से एक तो लिप्स मूवमेंट आ जाएगी हमारे पास, और आइज मूवमेंट, और उसी तरह हम मोशन कमांड दे देते हैं साथ में अपनी मर्जी से मोशन को कंट्रोल करने के लिए। प्लस पे प्रेस करते हैं, ये इमेज लिखा हुआ आ गया है। यहाँ इमेज आप अपने सिस्टम से अपलोड कर लेंगे या ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे, यानी इमेज को वहाँ से लाकर यहाँ ड्रॉप करेंगे तो वो इमेज अपलोड हो जाएगा, या आपकी ड्राइव खुल जाएगी जैसे ही आप यहाँ अपलोड पे प्रेस करेंगे। तो ये पिक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये एक पिक्चर मैंने एक इमेज विंग से ही क्रिएट किया हुआ, इसमें अपलोड कर दिया है, एंटर किया है। अब ये क्रिएट हो गई हमारी वीडियो, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये मैंने वो सा काट दिया है, ये एनिमेट हो गया। ये लिप्स मूवमेंट भी आ रही है, आईज मूवमेंट भी आ रही है, और पीछे सीन भी मूव हो रहा है। तो पूरी ही वो पिक्चर जो है, तो इमेज आपके लिए एनिमेशन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप अपनी इमेजेस को एनिमेट करके कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक ये फ्री है आप इससे फ़ायदा उठाएं, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। और आपको लिंक जो है पीका लैब का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।